सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं, बजाज चेतक की कुछ 5 हाइलाइट्स के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी खूबी है जिनकी वजह से हमें स्कूटर को लेना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो इसकी खूबी है, यार मेड इन इंडिया है। और क्या चाहिए, मेड इन इंडिया है भाई साहब। हर जगह आपको सर्विस सेंटर मिलने वाले हैं इसके, हर जगह शोरूम मिलने वाले हैं, हर गांव में। मतलब लगभग आजकल तो बजाज ऐसे हो गया, मतलब हर गांव में शोरूम मिल जाते हैं। गांव में तो नहीं, मतलब हर छोटी मोटी सिटी में हर जगह मिल ही जाते हैं इसके शोरूम। तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी ले सकते हो, कहीं भी सर्विस करा सकते हो, तो उसकी टेंशन नहीं है यहाँ पे। क्योंकि अभी तक चाइनीज स्कूटर्स ज़्यादा थे, इलेक्ट्रिक चाइनीज स्कूटर्स इंडिया में, बट अब फर्स्टली इंडियन आ गया है, तो इंडियन स्कूटर है तो यार कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बात करिए अभी सेकंड पॉइंट जो कि इसका इलेक्ट्रिक होना। इलेक्ट्रिक होना, आपको बताया यार इलेक्ट्रिक होने का कितना फ़ायदा है, इलेक्ट्रिक होने के कितने फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, दूसरी बात आपके पैसे बचाने वाला है। मतलब पेट्रोल की कोई दिक्कत है ही नहीं, एक बार पैसे फूंक दो उसके बाद मौज लो, तो कोई दिक्कत नहीं है वो भी। तो सो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यार ये स्कूटर। तो बात करिए अभी थर्ड पॉइंट जो कि है इसकी लाइट्स। लाइटिंग काफ़ी अच्छी है, मतलब फ्रंट में एलईडी हेडलाइट राउंड एंड टाइप डीआरएल्स एंड यहाँ पे टेल लाइट भी एलईडी मिल जाती है, इंडिकेटर एलईडी मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ आपको काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी देखने को मिल जाती है एंड एलईडी डिजिटल मीटर कंसोल भी मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को। कंपेयर करें यदि अदर स्कूटर्स के साथ तो यार काफ़ी अच्छा स्कूटर है। यदि हम देखते हैं हीरो इलेक्ट्रिक, जिसकी काफ़ी ज़्यादा स्कूटी, मतलब काफ़ी ज़्यादा मॉडल है उसके, हीरो डैश वगैरह, मतलब काफ़ी, बट मेरे को उनमें से सच बताऊँ तो एक भी पसंद नहीं आया आज तक। और आज तक मैंने रिकॉर्ड है एक भी वीडियो भी नहीं बनाई उन पर, क्योंकि मेरे को खुद ही अच्छे नहीं लगते यार। मैं क्या सजेशन दूँ आपको, तो इसलिए मैंने यार उस पर आज तक वीडियो भी नहीं बनाई है। जाके चेक कर लो, आज तक रिकॉर्ड है एक भी वीडियो नहीं बनाई मैंने हीरो इलेक्ट्रिक के ऊपर। चाहता तो बना सकता था, व्यूज़ काफ़ी आते हैं, मेरे को पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं आज के टाइम में, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि यार मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो स्कूटर। बात करें अभी फोर्थ पॉइंट जो कि यार इसका पावर एंड पिकअप, रिवोल्ट से तो काफ़ी तेज़ है यार ये। रिवोल्ट में 3 किलोवाट की मोटर मिलती है एंड यहाँ पे आपको 4 किलोवाट की मोटर मिलती है, तो पिकअप एंड पावर काफ़ी लाजवाब होने वाली है। मतलब काफ़ी अच्छी पावर मिलने वाली है आपको यहाँ पे। 0 to 60 जाता है 5 सेकंड में, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है यार ये 0 to 60, क्योंकि यार 0 to 60 जाते जाते हीरो इलेक्ट्रिक के तो मतलब जान निकल जाती है बिल्कुल। तो यार पावर एंड पिकअप के मामले में काफ़ी अच्छा है, मतलब परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलने वाली है आपको। एक मतलब इंजन वाले जो स्कूटर होते हैं एंड जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, यदि इसको चलाओगे और उसको चलाओगे, एक्टिवा को चलाओगे या फिर चेतक को चलाओगे, तो आपको चेतक में ज़्यादा पावर फील होगी, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी बड़ी मोटर इसमें आपको मिल जाती है, तो उस वजह से आपको काफ़ी अच्छी टॉप स्पीड भी मिलने वाली स्कूटर में। फिफ्थ पॉइंट जो कि इसका लुक एंड जो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, कंफर्ट लेवल भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, मतलब जो फिनिशिंग है हर एक पार्ट की, वो काफ़ी अच्छी है। लगता नहीं है कि यार ये बजाज का प्रोडक्ट है, क्योंकि बजाज का यार मतलब हमेशा से ही दिक्कत आई है हर बाइक में कि वाइब्रेशन वगैरह की दिक्कत आई थी, लेकिन अब की बार जो इसने प्रोडक्ट निकाला है, पता नहीं मेरे को कहाँ से ले गया है या फिर खुद से डिज़ाइन किया है, काफ़ी मतलब यार बिल्कुल अमेजिंग प्रोडक्ट है एंड जो इसकी फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशन का कोई इश्यू नहीं आने वाला एंड दिखने में भी काफ़ी स्टाइलिश दिखने वाला है। तो यहाँ पे वेस्पा को भी फेल करने वाला है, तो काफ़ी अच्छा स्कूटर है यार। कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए, आप इस स्कूटर के लिए जा सकते हैं, हमेशा रिकमेंड करूँगा मैं आपको इसी स्कूटर के लिए। तो इसी स्कूटर के लिए जाना, काफ़ी अच्छा स्कूटर है, इलेक्ट्रिक में देख रहे हो तो काफ़ी अच्छा स्कूटर है, जा सकते हो इसके लिए। तो गाइस ये था कुछ आज की वीडियो में जो इसका लॉन्च है। बता दूँ आपको जनवरी में इसका लॉन्च होने वाला है, आप अभी इसकी बुकिंग करा सकते हैं, फरवरी तक आपको डिलीवरी मिल जाएगी। तो गाइस ये तो कुछ आज की वीडियो में, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे मैंने लिंक दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।